राम राम, जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं देसी घी की, क्योंकि कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि भैया रनिंग कर रहे हैं तो क्या देसी घी रोक दें। तो आज हम कुछ ऐसे बेनिफिट्स बताने वाले हैं देसी घी के कि सब खाना चालू कर दोगे रोज। इससे पहले जो भी सवाल हो इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो, नहीं सवाल है तो आ जाओ, एक अलग मोटिवेशन मिलेगा वहां पे। देखो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं देसी घी की, क्लेरिफाइड बटर की। इंडिया में तो खैर अब पता नहीं क्या हो गया है कि जब से हम लोग शहर की तरफ, गांव से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, उस तरीके से घी थोड़ा सा कम हो रहा है, रिफाइंड ऑयल डाल्टा इस पर हम लोग ज़्यादा भाग रहे हैं, और फॉरेन कंट्रीज में इसका इस्तेमाल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम देसी घी की बात कर रहे हैं, हम लोग गाँव में हमेशा खाते रहे और हमारे ना घुटनों में दिक्कत, ना ज्वाइंट्स में पेन, कभी कुछ नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दौड़ में घी का क्या काम है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जब तुम लोग दौड़ करते हो तो तुम्हारी दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। एक होता है आपके जॉइंट्स और दूसरा होता है आपकी हार्ट हेल्थ, मतलब जो दिल की सेहत है वो मजबूत होनी चाहिए। दूसरा, आपके जितने भी शरीर के जॉइंट्स हैं उनको अच्छा नरिशमेंट मिलना चाहिए। तो देसी घी होता है क्लेरिफाइड बटर, इसमें पाया जाता है गुड फैट। अब गुड फैट आपका क्या काम करता है, गुड फैट आपके जॉइंट्स को, जॉइंट्स मतलब जो होते हैं उनमें जो आप बोलते हो ना ग्रीस खत्म हो रही है, उसको दोबारा से रिपेयर करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपकी हार्ट के लिए, नेल्स के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, मतलब घी की बात करें तो ओवरऑल आपकी हेल्थ बेनिफिट आपको देती है अगर आप घी डेली कंज्यूम करते हो, पहली चीज। ठीक है, अगली बात यहाँ पे अगर हम ये करें कि दौड़ में घी का क्या काम होता है। देखो, जब तुम डेली 2 से 4 चम्मच घी आराम से खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 4 चम्मच घी खाते हो तो घी में एक खुद की ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसमें आपको स्ट्रेंथ मिलती है। हम बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म्स में नहीं जा रहे, डायरेक्ट आपको समझा रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में आपकी बहुत हेल्प करता है, और स्ट्रेंथ की जरूरत रनिंग में बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका वजन ज़्यादा है या कम है मैटर नहीं है, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो 2 चम्मच, अगर वजन कम है तो 3 से 4 चम्मच घी डेली बेसिस पे खाना चालू कर दो, अपनी रनिंग में इंप्रूवमेंट देख लोगे। और अगर तुम लोग गांव से बिलोंग करते हो, बचपन से ही घी खाते चले आ रहे हो, तुम यकीन मानो तुम्हें ना तो मल्टीविटामिन, ना तो फेस ऑयल, और ना ही जॉइंट्स के लिए जो चाहिए होते हैं, इनकी सबकी जरूरत पड़ेगी कभी। तो आज से ही अपनी डाइट में तुम लोग घी डालना चालू कर दो, 3 से 4 चम्मच घी डेली खाना है तुम लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छा फैट है, इससे अच्छा फैट तुम्हें मिलेगा नहीं इतने अच्छी फॉर्म में, लेकिन बस देसी घी शुद्ध होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। डेली खाओ, और अगर तुम्हें कभी पूड़ियाँ उड़ियाँ भी खानी है तो घी में तल के खाओ, मतलब घी में बनाओ, क्योंकि घी का जो होता है स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो घी सबको खाना है, लड़कियाँ हों, लड़के हों, किसी भी एज के हो, घी आपको डेली कंज्यूम करना ही पड़ेगा। रनिंग में आप बहुत जल्दी इसके बेनिफिट्स आपको समझ में आने लगेंगे। तो आज का वीडियो बस घी के ऊपर था। देखो, हम घर के खाने को हमेशा प्रमोट करते रहेंगे, हाँ अगर हो सकता है कभी कभी जरूरत सप्लीमेंट की भी पड़ जाती है तो उसके बारे में भी हम उसमें एड ऑन करते रहेंगे, लेकिन यकीन मानो जो घर की चीज़ें हैं वो कभी सप्लीमेंट को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी, मतलब सॉरी सप्लीमेंट कभी घर की डाइट को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो, थोड़े सा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।